सीतामढ़ी स्थित प्राचीन टेकड़ी गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी उत्सव मनाया गया। मंदिर को फूलों एवं केले के पत्तों से मंदिर परिसर को सजाया गया, जो कि खास आकर्षण का विषय रहा। इस दौरान हमारे संवाददाता द्वारा यहां के संदर्भ में बातचीत की है गणेश टेकड़ी मंदिर के अध्यक्ष विकास लिमय इनसे। नमस्कार, मैं विकास लिमय, अध्यक्ष गणेश मंदिर टेकड़ी नागपुर। आज तिळी चतुर्थीचा, पौषातले चतुर्थीचा आज उत्सव आहे। सर्व भक्तगणांचं मी आज मंदिरातर्फे स्वागत करतो। सकाळपासून सर्वांच्या मदतीने आमचे पूर्ण स्वयंसेवक, पोलीसवाले, कॉर्पोरेशन, डागा हॉस्पिटल, मेडिटेरियन हॉस्पिटल सगळ्यांच्या मदतीने एकदम स्वस्थपणे सुंदर दर्शन होत आहे। आम्ही दर्शनाची नेहमीसारखी व्यवस्था केलेली आहे। स्त्री पुरुषांचे मार्ग वेगळे ठेवलेले आहेत। उद्घोषणा सतत सुरू आहेत आणि रेवडीचा प्रसाद आग्र्याहून बोलवलेला आहे। रेवडीचा प्रसाद वाटप दरवर्षीप्रमाणे सुरू आहे। एकंदरीत वातावरण एकदम प्रसन्न आहे। जर तुम्ही पहाल उजव्या बाजूला इकडे, तर आम्ही केळीच्या पानांची एक सजावट केलेली आहे थेट याच्यावर, त्या सुंदर आहे। सगळ्या लोक त्याचं ॲप्रिशिएट करतात आहे की फार सुंदर सजावट झाली आहे म्हणून। तशीच मंदिराच्या आतमध्ये आमचे अग्रवाल म्हणून त्यांनी सजावट केलेली आहे, ती पण दरवर्षी ते त्यांच्यातर्फे करतात आणि अगदी सुंदर सजावट आहे आतमध्ये पाहिली तर मन प्रसन्न होतं आतमध्ये गेल्यानंतर। सगळ्या भक्तगणांचं मी आणखीन पुन्हा एकदा स्वागत करतो, धन्यवाद। तिली चतुर्थी पर भक्तों को 900 किलो रेवड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। मंगल आरती तड़के सुबह 4 बजे हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। तिली चतुर्थी पर बड़े तादाद में यहाँ श्रद्धालु जो है आते हैं टेकड़ी गणेश मंदिर। हमारे साथ श्रद्धालु है, उनसे जानते हैं कि आज तिली चतुर्थी पर आप आए हो, कैसा दर्शन हुआ, क्या बताओगे? और गणेश चतुर्थी में इसमें आने के लिए बहुत अच्छा आनंद आता है और बहुत प्रसन्न लगता है, तो इसमें भक्तों के लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा इंतजाम किया है और अच्छा भी हो रहा है। थैंक यू। तिली चतुर्थी पर भक्तों की बड़ी तादाद को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की ओर से भक्तों से हार फूल न लाने की अपील की गई थी। मंदिर की ओर से विभिन्न सुविधाएं भी भक्तों को प्रदान की गई। मॉडल स्कूल के सामने वाले रास्ते पर चप्पल स्टैंड के साथ ही मॉडल स्कूल के मैदान में पीने के पानी के इंतजाम भी, साथ ही जयस्तंभ चौक से आने वालों के लिए चप्पल स्टैंड व पीने के पानी का इंतजाम MP बस स्टैंड परिसर में किया गया था, जिसकी जानकारी दी है यहाँ के सेवाधारियों ने। मी सौ पद्मा सुरेंद्र जाधव, 10 वर्ष झाले मी सेवा देती आहे आणि गणपतीच्या बाप्पाने खूप एकदम व्यवस्थित सगळं काम चालू असतं, व्यवस्थित सुरक्षितता सगळ्यासाठी आम्ही सगळ्यांना चांगलं मार्गदर्शन करतो आणि आम्ही सेवा करतो। मी राजकुमारी फोपरे, मी इथे बरेच वर्षापासून येत आहे। मला सेवा द्यायची खूप इच्छा होती आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांनी थोडं तरी फार सहयोग द्यावा आणि सहयोग करावा, हीच माझी अपेक्षा आहे आणि चतुर्थीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा भाविकां। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी संदर्भ में बातचीत की है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे इनसे। हम देखते हैं कि तिली चतुर्थी पे हर साल टेकड़ी गणेश मंदिर में भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसके लिए जो है पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि आज भी किस तरह से उपाय जो है या इंतजाम जो है सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से किए गए हैं, क्या बताओगे सर? नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सीतापुरडी के ज्यूरिडिक्शन में ये टेकड़ी गणेश मंदिर आता है। हर साल के मुताबिक इस वक्त भी तिल चतुर्थी आज आने की वजह से हमने पूरा स्टाफ लगाया है। इसमें मंदिर के गाभारे से लेके मंदिर प्रीमाइसेस, बाहर का रोड और मानद चौक और रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक और पुलिस स्टेशन, ये दोनों मिलके बंदोबस्त कर रहे हैं। महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, अधिकारी, ये सब डेपुट किए हैं और एकदम शांतिपूर्वक माहौल है। वैसे ही हमको गणेश टेकड़ी मंदिर के कुछ वॉलंटियर्स मिले हैं, वो वॉलंटियर्स लोग भी एज अ सिक्योरिटी करके पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश सभी को शक्ति दे, उनकी मनोकामना पूरी करे। यही तिल चतुर्थी के होने की वजह से मैं सभी भक्तजनों को शुभेच्छा देता हूँ, आपके जरिए से मैसेज देता हूँ, शुक्रिया। आज तिली चतुर्थी और तिली चतुर्थी के उपलक्ष्य पर शहर के सुप्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये चतुर्थी जो होती है ये माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थी होती है। इस दिन महिलाएं अपना व्रत भी रखती है, निर्जला व्रत इस
चतुर्थी को रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चतुर्थी होती है और उस उपलक्ष्य में जो है टेकड़ी मंदिर में इस चतुर्थी के उपलक्ष्य में सजावट की गई है। साथ ही साथ बड़े तादाद में आज यहाँ भक्त आते हैं, उनकी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देख पा रहे हो कि मंदिर को भी अच्छी तरह से यहाँ सजाया गया है और बड़ी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं और शाम तक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रात देर रात तक इस दिन ये मंदिर जो होता है शुरू होता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।